नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के आखिरी दिन नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा और महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार, आवारा पशु, किसान और बेरोजगारी के मुद्दे तो लेकर चुन चुन कर हमला बोला। ये दावा करते थे चाल, चरित्र और चेहरा, और अब इन चार से पहचाने जाते हैं भाजपाई। पहले दावा करते थे चाल, चरित्र और चेहरे से पहचान बनाने के लिए, और आज जो पहचान बन गई है वो नफरत, भ्रष्टाचार, बेरोजगार और महंगाई से। कि हमारा गोल है कि $1 trillion इकोनॉमी बन जाएगी 2027 तक। ये बात शुरू में भी हम लोगों ने कही थी, जब सदन में हम लोगों को अध्यक्ष महोदय बोलने का मौका मिला था बजट पर, कि इतना बड़ा सपना दिखाया जा रहा है कि $1 trillion इकोनॉमी हो जाएगी। ये $1 trillion इकोनॉमी बिना किसान की मदद के कैसे संभव है, बिना एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर किए कैसे संभव है। मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करने वाले अधिकारी की जान चली जाए एक जानवर से टकराने से, अगर उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है तो जो आम जनता उसके लिए सुरक्षा क्या है। हम आए दिन सोशल मीडिया पे या अलग तरीके से वीडियो देखते हैं कि किस तरीके से सांड ने गली में आकर के किसी बच्चे को, किसी महिला को, किसी बुजुर्ग को उठा करके फेंक दिया। यही $1 trillion की इकोनॉमी का सपना है। तो वही यूपी के विधानसभा सत्र में सीएम योगी ने अखिलेश के सवालों का जवाब देते हुए जबरदस्त हमला बोला, सुनिए। कहा ना 14, 17, 19, 22 और फिर चिंता मत करो 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। मैं तो फिर से कह सकता हूं कि चच्चो अभी से रास्ता तय कर लो अपना। ये आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। जब भी आपका नंबर आता है आपको चुपचाप काट दिया जाता है। आपके भलमानस को ध्यान में रख करके आपके संघर्ष को कोई ध्यान में नहीं रखता है। महोदय, दुष्यंत कुमार ने एक बात कही थी कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। उन्हें जमीनी हकीकतों की कोई जानकारी नहीं है। और तुलसीदास जी ने बात कही भी, समरथ को नहीं दोष घुसाएं। ऐसे ही लोगों पे बातें अक्सर से सही बैठती हैं, क्योंकि जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदि हैं, वे गरीब की समस्या को क्या समझेंगे। चार बार समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। ₹90 billion जो बच्चे थे मरने वाले, जो असमय काल कल्पित हुए, वे दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ी जाति के थे। क्या यहां पीडीए नहीं था क्या? क्या कर रहे थे? चार बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आप लोगों ने उसका समाधान नहीं निकाल पाए। आपको तो 5 साल का पूरा कार्यकाल मिला था। और मुझे बताते हुए गर्व है, हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही इंसेफ्लाइटिस का समूल नाश कर। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के मॉनसून सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने पुराने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसा और गाना गाया, सुनिए। हमारे एक साथी थे, अब उन्होंने ऑर्बिट बदल ली है। अध्यक्ष महोदय, एक हमारे साथ थे, अब ऑर्बिट बदल गई आपकी, और
जब मैं मंच पे रहता था इनके साथ, तो एक गाना हमेशा गाते थे, चल सन्यासी मंदिर में। और अब मैं बैठना चाहूं और आप खड़े होना। अध्यक्ष महोदय, केवल गाने के लिए खड़ा कर रहा हूं इनको। जो पहली लाइन तो इन्होंने गा दी, उस गाने की दूसरी लाइन गा दे, मैं बैठ जा रहा हूं। तेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये शपथ लेने गए थे, शपथ लेने गए थे, तो नेता सदन ने यह गा करके सुनाया, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में दिए जवाब पर शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री हंस हंसकर बोल रहे थे, ये उनको शोभा नहीं देता। अगर हिंदुस्तान में कहीं हिंसा हो रही है तो उन्हें इस तरीके से हंस हंसकर नहीं बोलना चाहिए। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। दो घंटे तेरह मिनट भाषण किया, उसमें अंत में 2 मिनट। और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2 घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। विषय कांग्रेस नहीं था, विषय मैं नहीं था, विषय मणिपुर है। मणिपुर में क्या हो रहा है और उसको एकदम क्यों नहीं रोका जा रहा है, यह विषय है। 19 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने मणिपुर में देखा और सुना, वो मैंने कभी पहले नहीं सुना था। मैंने पार्लियामेंट में बोला कि प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भारत माता की हत्या की है, मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है। मैंने ऐसे नहीं बोला था, ये खोखले शब्द नहीं है। मैं आपको समझाता हूं मैंने ये बात बोली क्यों। जब हम मणिपुर पहुंचे, हम लैंड किए, हमें मणिपुर में दौरा करना था। जब हम मेटे एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा, उसको आप यहां मत लाइए, क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर कोई मेटे आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा, उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए, हमें मेटेज को परे करना पड़ा, हमें कुकीज को परे करना पड़ा। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला, हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है। कॉन्ट्रडिक्शन है, शायद पीएम मेरा चेहरा टीवी पे नहीं देखना चाहते, मगर फिर पीएम मेरी वीडियो के बारे में बात करते हैं, तो पता नहीं क्या है, बट मुझे लगता है शायद उनको मेरा चेहरा टीवी पे देखना अच्छा नहीं लगता। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मैंने बोलना था, देखिए मुझे अपना काम करना है। मैं जानता हूं कि मीडिया पे कंट्रोल है, लोकसभा राज्यसभा टीवी पर कंट्रोल है, वो उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता, मगर मुझे अपना काम करना है, मैं अपने काम को करता हूं। जहां भी भारत माता पर आक्रमण होगा, वहां मैं आपको खड़ा मिलूंगा, भारत माता की रक्षा करते हुए मिलूंगा। और इस बीच अहम जानकारी आ रही है, लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीसी बिल किया है पेश। पुराने बिल में बदलाव को लेकर बिल पेश किया गया है। अमित शाह ने कहा है कि अंग्रेजों के बनाए 3 कानून बदलेंगे और अंग्रेजों के जमाने के कानून अब नहीं चलने देंगे। कानून का उद्देश्य
सबको न्याय देना है। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां 3 बिल यहां पे पेश किए गए हैं और इसका उद्देश्य सबको न्याय दिलाना है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि अंग्रेजों के जमाने से जो चलता आ रहा है कानून, अब उसको बदल दिया जाएगा। चूंकि प्रधानमंत्री ने भी बोला है कि अमृतकाल शुरू होने वाला है, इसलिए 1860 से जो चलता आ रहा है अब उसको 2023 में बदल दिया जाएगा। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने CRPC बिल पेश किया है। आपको बता दें कि CRPC बिल पेश किया गया है, पुराने बिल में बदलाव को लेकर अमित शाह ने कहा है कि पुराने बिल में अब बदलाव होंगे, अंग्रेजों के बनाए 3 कानून बदलने होंगे। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां 3 बिल जो है वो सदन के पटल पर रखे गए हैं। और इसी के साथ बता दें कि इसमें IPC भी है और CRPC भी है। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा था कि अंग्रेजों के कोई भी अंश नहीं आगे चलने देंगे और इसी के लिए ये बिल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अंग्रेजों के बनाए 3 कानून बदलेंगे, ये अमित शाह ने साफ तौर पर सदन में कह दिया है, अंग्रेजों के ज़माने के कानून अब नहीं चलेंगे। मैं इन्वॉल्व रहा हूं अध्यक्ष जी, मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि 1860 से लेकर 2023 पर 23 तक अंग्रेजों ने बनाए, अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून अब प्रस्तापित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजने वाला हूं, इसलिए बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, मरुतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी ये कानूनों को पढ़ा होगा, इसकी प्रायोरिटी क्या थी? मानवी की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई कानून अपराध नहीं हो सकता। तो इसको 302 नंबर पर स्थान दिया गया। इसके पहले क्या था? राजद्रोह था। इसके पहले क्या था? खजाने की लूट थी। इसके पहले क्या था? शासन के अधिकारी पर हमला था। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच को हम बदल रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध, दूसरा चैप्टर आएगा मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा। तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर हम ये कानून लेकर आए हैं। इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है, लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो चुकी है। स्पीकर ओम बिरला ने की कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा, और 20 जुलाई से प्रारंभ हुआ था लोकसभा का मॉनसून सत्र जो कि अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो चुकी है। सहयोग के लिए स्पीकर ने सभी दलों के नेताओं का आभार भी जताया है। मॉनसून सत्र में 17 बैठकों के दौरान 44.15 घंटे तक काम हुआ है। सत्र में अविश्वास प्रस्ताव भी आया जो कि अस्वीकृत हुआ है। बता दें अविश्वास प्रस्ताव पर 60 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया था और मॉनसून सत्र की कार्यवाही 22 विधेयक पारित हुए हैं। तो पूरे मॉनसून सत्र में 22 विधेयक पारित हुए हैं और 20 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई थी, अब जो कि अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। और आभार भी सभी दलों का बता रहे स्पीकर ने जताया। इसी के साथ बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव भी रखा गया था। अविश्वास प्रस्ताव में 18 घंटे चर्चा भी हुई थी और 3 दिनों तक यह अविश्वास प्रस्ताव खींचा भी गया था। ऐसे में पूरे मानसून सत्र की बात की जाए तो 44 घंटे तक ये मानसून सत्र चला है और सत्र में अविश्वास प्रस्ताव भी आया जो कि अस्वीकृत किया गया है। बता दें कि अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़ा हुआ यह मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। बहन आयशा नूरी की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। हत्याकांड की न्यायिक जांच की मांग वाली सुप्रीम कोर्ट में याचिका है और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से हलफनामा दाखिल करने के लिए कह दिया है। यूपी में हुए एनकाउंटर के मामले में हलफनामा दाखिल करेगी यूपी सरकार। बता दें 2017 से अब तक हुए एनकाउंटर मामले में हलफनामा मांगा है और जस्टिस चौहान कमीशन के सुझाव को लागू किया या नहीं ये भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है। तो कमीशन की रिपोर्ट के सुझाव को लागू नहीं किया ये याचिकाकर्ता ने जवाब दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट को नोटिस जारी हो चुका है। यूपी में हुए एनकाउंटर के मामले में हलफनामा भी उनको दाखिल करना होगा। 2017 से लेकर अब तक जितने भी
एनकाउंटर हुए हैं उन सभी मामलों में हलफनामा यूपी सरकार को दाखिल करना होगा। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी किया है, जस्टिस चौहान कमीशन ने कहा है कि सुझाव को लागू किया गया है या नहीं। और मुख्तार अंसारी की बहू निकहत बानो को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने निकहत बानो को मानवीय आधार पर जमानत दे दी है। निकहत का एक साल का बच्चा होने की वजह से जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा है कि एक साल के बच्चे होने के कारण जमानत दे दी गई है निकहत बानो को। तो सुप्रीम कोर्ट ने निकहत बानो को मानवीय आधार पर जमानत दी गई है क्योंकि उनका एक साल का बच्चा है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की शर्तों के लिए निचली अदालत जाने के लिए कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने निकहत बानो को जमानत दे दी है क्योंकि उनका एक साल का बच्चा है। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जमानत की क्या शर्तें हैं वो जानने के लिए आप निचली अदालत में जाइए। तो अहम जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं जहाँ मुख्तार अंसारी की बहू निकहत बानो को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है। तो मानवीय आधार पर जमानत दे दी गई है निकहत बानो को क्योंकि उनका एक साल का बच्चा है। और ऐसे में बता दें कि शर्तों के लिए निचली अदालत जाए ये भी साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरियाणा के शक्तिपीठ मां भद्राकाली मंदिर पहुंचे, जहां हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और अन्य गणमान्य के साथ मिलकर मंदिर में पूजा अर्चना करी। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति ने परिवार सहित मां के चरणों में पूजा अर्चना कर चांदी के घोड़े का जोड़ा भी अर्पित किया। तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने भी परिवार सहित पूजा अर्चना की। और मोतिहारी में बेलगाम अपराधियों ने बाइक पर जा रहे दो लोगों को गोली मार दी, जहां गोली लगने से एक की मौत हो गई और दूसरा बुरी तरीके से घायल हो गया। आपको बता दें कि मोतिहारी में पिछले एक सप्ताह से हत्या की ये तीसरी घटना है। तो वहीं गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर आए और दोनों जख्मियों को इलाज के लिए मोतिहारी भेजा, जहां एक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तो वही घटना की जानकारी मिलने के बाद रक्सौल डीएसपी इंस्पेक्टर और थाने के पुलिस मौके पर पहुंची। डीएसपी ने घटना की जांच शुरू कर दी है और अधिकारियों के निर्देश पर घटना स्थल को सील कर दिया गया है। तो वहीं मुरादाबाद में आधा दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जहां रामगंगा नदी का विकराल रूप जनपद के कुंदरकी ब्लॉक में जुड़े आधा दर्जन से ज्यादा गांव में घुस गया है, जिससे हजारों लोग बाढ़ के पानी का दंश झेलने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और तो और अब्दुल्लापुर के सैकड़ों लोगों के सामने राशन की भी परेशानी खड़ी हो गई है, क्योंकि गांव को चारों तरफ से नदी के पानी ने घेरा हुआ है और ये लोग जिला मुख्यालय से कटे हुए हैं। साथ ही हजारों बीघा गन्ने और दूसरी फसलें जो है वो बर्बाद हो चुकी है। गांव के लोगों ने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए कहा कि उनके गांव के संपर्क मार्ग को जब तक ठीक नहीं कराया जाएगा, वो लोग इसी तरीके से बाढ़ की मार झेलते रहेंगे। खबर में आगे बढ़ेंगे, बता दें कि प्रयागराज शंकरगढ़ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई, जहां मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों के पैर में गोली लग गई। आपको बता दें कि बदमाश डेरा डालकर लूट और छिनैती करते थे। तो वहीं घायल बदमाश शाहजहांपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, साथ ही दोनों इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं।
अंबाला में आज सुबह आफत बनकर बरसी बारिश का कहर टांगरी नदी के आसपास बसे इलाकों में देखने को मिल रहा है, जहां एक बार फिर से ये इलाका जलमग्न हो चुका है। आपको बता दें कि टांगरी नदी का पानी एक बार फिर से लोगों के घरों में घुस गया है। आसपास के इलाकों में पानी घुसने की वजह से स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। तो वहीं आसपास के निवासियों ने बातचीत के दौरान अपना दुख बयां करते हुए कहा कि ये आफत थमने का नाम नहीं ले रही है, हमें फिर से भारी नुकसान होगा, जो बचा कुचा सामान था वो भी खराब हो गया है। और नरसिंहपुर नगर में उस समय सनसनी फैल गई जहां गुप्ता आयरन के पास एक युवक ने लगातार फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक अज्ञात युवक आदित्य के पैर में गोली लग गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि आदित्य ने बताया कि वो हाउसिंग बोट जो गुप्ता आयरन के पास खड़ा हुआ था, उसी समय खमरिया के रहने वाले नीरज मेहरा ने उस पर फायर कर दिया, जिसके चलते उसके पैर में गोली लग गई। तो वहीं गोलियों की आवाज सुनते ही मोहल्ले के लोग बाहर निकल आए और तब तक आरोपी मौके से फरार हो गए। तो वहीं एसपी और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना किया। फिलहाल घायल आदित्य का प्राथमिक इलाज जबलपुर मेडिकल में किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किसानों की अलग अलग समस्याओं को लेकर शामली जिला मुख्यालय पर ट्रैक्टर मार्च निकाला, जहां सैकड़ों किसानों का जत्था ट्रैक्टर मार्च के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचा और किसानों की समस्याओं के संबंध में एडीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि आलाकमान के आदेशानुसार भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर ट्रैक्टर मार्च निकाला, जहाँ मुजफ्फरनगर बस स्टैंड पर ट्रैक्टरों का जत्था इकट्ठा हुआ और यहाँ से किसानों ने जिला अध्यक्ष कालेंद्र मलिक के नेतृत्व में मार्च निकाला और कलेक्ट्रेट पहुंचकर एटीएम संतोष कुमार को किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। तो वहीं जिला अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश की सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।